हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर ऑल वेल। जी जी तो गाइस आज मैं बात करने जा रही हूँ सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो बस अपने वीकनेस को कवर अप करके अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश किया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत ही इजी है, सम टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, सम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए ए टू जेड देखिएगा एंड स्किप नहीं कीजिएगा। तो कहते हैं ना कि हमारा इंस्पिरेशन किसी भी अच्छा पड़े, तो इसलिए क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए है, वर्कर के लिए है, और स्पेशली बेसिकली हाउसवाइफ के लिए है, क्योंकि हाउसवाइफ इतना ज्यादा बिजी होती हैं कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं और कामों में बिजी होती हैं, तो उनके लिए स्पेशली है। तो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉइंट है जी, हमें रेडी होके रहना चाहिए जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन होते हैं वो होता है फेस और हमारी पर्सनैलिटी। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे इम्प्रेशन वाजिया होते हैं, कि वो कहते हैं जब हम किसी से बात करते हैं किसी भी मूड में हो तो हमारे फेस से ही पता चल जाता है कि आप दुखी हैं या अपसेट है या हैप्पी हैं, तो वो बहुत इजी अंदाजा लगाया जा सकता है जी। तो इसके साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हमें अपने फेस का ख्याल जरूर रखना चाहिए। फेस के लिए आप रोज तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये है कि वीक में, आफ्टर टू वीक और मंथ में एटलीस्ट हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना, मीन फेशियल करना, क्लेंजिंग करना, स्क्रबिंग करना, मसाज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में जैसे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और होम रेमडीज भी मैंने काफ़ी शेयर की हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ ही स्किन और हेल्थ के लिए वाटर का इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर से हमारी हेल्थ एंड स्किन भी बहुत फ्रेश रहती है जी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने फेस पे जो हमारी आईब्रोज बनाने वाली होती है वो जरूर बनानी चाहिए। तो क्या होता है कि सम गर्ल्स की ग्रोथ जल्दी हो जाती है आईब्रोज टू वीक में, वीक में, तो मुझे जैसे टू वीक के बाद इनको मेंटेन रखना और क्लीन करना होता है, क्योंकि मेरी जल्दी ग्रो हो जाती है। और इसलिए जैसे मैं रेजर्स वगैरह से कर लेती हूँ, स्ट्रिप्स से यूज़ कर लेती हूँ, वैक्सीन से कर लेती हूँ, साथ में हम ट्विजर का यूज़ कर सकते हैं, साथ में ये जो टूल है अपर लिप करने के लिए बहुत इजी है, और वैसे भी ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा मशीन इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हम इजली बाय करके हम अपने घर पर ही इनको मेनटेन कर सकते हैं। जैसे चिन के लिए भी है, अपर लिप के लिए भी है, फेस के लिए भी है, तो इसको बैग में भी इजिली कैरी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब हम किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे हैंड्स, फेस के अलावा हमारे हैंड्स देखे जाते हैं, तो हैंड्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड्स अपना मेनिक्योर जरूर करें वीक में, मंथ में, अपने नेल्स का स्पेशली ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि नेल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हैंड्स। तो नेल्स पे चाहे आप न्यूड कलर अप्लाई कर लें, और नेल पेंट में जरूर नहीं है डार्क कलर ही अप्लाई किया जाए, तो न्यूड शेड्स भी है बहुत ज्यादा जी। तो मैनिक्योर के साथ साथ फीट भी देखे जाते हैं, उन पे भी नजर जाती है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैनिक्योर के साथ पेडिक्योर भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकती, सलून नहीं जा सकती, घर पे रह के आप इजीली होम रेमेडीज के साथ बहुत कुछ कर सकती हैं। ये तो यहाँ पे अगर रेडी होने की बात हो रही है तो 5 मिनट्स लुक, मीन नो मेकअप लुक और कैजुअल लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है ये, तो साथ में आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में। मैं यहाँ पे लाइट सी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी बीबी क्रीम फिनिश थी, तो साथ में जी आईब्रोज को क्रिएट करना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, उसको लाइट सा ही फील करना है ताकि नाइस सी क्रिएशन फील हो फेस पे और नाइस सी शेप बन जाए। तो इसके बाद जी अंडर आई और आई के ऊपर कंसीलर यूज़ करना, वैसे तो कंसीलर के साथ और मेकअप भी हो जाता है, बाय द वे इसको जल्दी से हम ब्लेंड करते हैं, और जिसके साथ ही लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप बाम का ज़रूर यूज़ करना है, नहीं तो लिप्स ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद ये वाला शेड है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये न्यूड शेड है, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने लिप्स पे अप्लाई किया है या नहीं किया है, ये डेली बेसिस पे मैं ये यूज़ करती हूँ। और इसके साथ ही अगर ब्लश ऑन आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो लाइट सा टिंट अप्लाई कर ले, आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और ड्रॉट्स के साथ ये अप्लाई हो चुका है लाइट सा। उसके बाद आईज़ को थोड़ा सा क्रीज करूँगी मैं ब्राउन शेड से, आज क्रीज करने का मकसद ये है क्योंकि आज लाइट सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, क्योंकि आप लोगों के लिए रेडी हो रही हूँ मेन वीडियो शूट करने के लिए, इसलिए के साथ ही मैं लाइनर नहीं अप्लाई कर रही, तो ब्लैक पेंसिल के साथ मैं जस्ट कॉर्नर्स बना रही हूँ ताकि थोड़ी सी लुक नाइस लगे,
और इसके साथ ही वैसे ब्रश है तो उसके साथ ही ब्लेंड किया जा रहा है जी, बहुत ईजीली है। तो बस ये हो चुका है। तो इसके साथ ही डेली रूटीन में मैं मस्कारा एंड आईलाइनर को अवॉइड करती हूँ, लेकिन यह है कि कर्लर आईलाइशेस कर्लर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारी आईलाइशेस कर्ल हो जाती हैं और नाइस भी लगती हैं। तो आई थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं इसके साथ जी। बस ये मेरी नो मेकअप लुक रेडी हो चुकी हूँ मैं इन 5 मिनट्स, तो कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा मेकअप दिखा देती हूँ जो मैंने यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज़ किया है कलर यहाँ से, ये है हुदा वालों का आई शेडो पैलेट, ये बहुत ज़बरदस्त कलर है। उसके बाद जी मैंने यूज़ किया है कीको वालों का मस्कारा, ये भी बहुत नाइस है और लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद जी मेलानी का मैंने फाउंडेशन यूज़ किया क्योंकि बीबी क्रीम मेरी फिनिश थी। और इसके बाद जी प्राइमर है बेक लंदन, ये भी बहुत नाइस है। और यहाँ पे जी बेनी टिंट, और इसके साथ ही जी ये वाला मेरा न्यूड लिप शेड। और उसके साथ ही जो मैंने कंसीलर यूज़ किया है वो है जी ट्रू मच लॉरियल वालों का है ये कंसीलर, और शेड कौन सा है कुछ नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद जो मैंने यूज़ की थी ब्लैक पेंसिल क्रेयोन, ये है परफेक्ट परफेक्शन वालों की, ये भी बहुत अच्छी है। इसकी एक साइड पे ब्रश है और एक साइड पे और उसके साथ ही जी आई पेंसिल, ये मैंने मैबलिन वालों की यूज़ की है ये कलर, ये भी बहुत नाइस है इसलिए इतनी छोटी हो गई है। और साथ में जी NYX वालों का हाइलाइटर है जो मैंने यूज़ किया था प्राइमर के बाद, इसके साथ नाइस ग्लो आ जाता है। उसके बाद जी प्योर ब्लश, ये ब्लश ऑन पैलेट है जिस मैं वैसे दिखाना चाह रही हूँ कि इसके शेड्स भी बहुत प्यारे हैं, और ये मैंने प्राइमर से बाय किया था। तो ये है जी ऑल मेकअप, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो साथ में क्या होता है कि हम विमर्स कॉम वगैरह नहीं करती हैं बालों को, और वो मैसअप बना रहता है तो वो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है एंड अच्छा भी नहीं होता है। तो इसलिए कॉम जरूर करनी चाहिए डेली उठ के, और बालों का जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसे हम छोटी सी पोनीटेल बना लें या चुटिया बना लें तो अच्छा रहता है। अगर मैं या मेरे जैसे जो स्कार्फ वगैरह करती हैं तो वो कम अज कम अगर बन भी बना रही हैं लेकिन फिर भी कॉम जरूर करनी चाहिए। कॉम करके उसको बन बना के तो आप उसको टाई कर लें हेयर और ऑल डे घूमते रहे तो वो अच्छा लगता है जी। तो इसके अलावा हमें छोटी मोटी सी ज्वेलरी जरूर वेयर करनी चाहिए, चाहे वो छोटा सा नेकलेस ही क्यों ना हो, छोटी सी चैन ही क्यों ना हो। साथ में कुछ आप वॉच पहन लें या साथ में आप नेक ब्रेसलेट वगैरह कुछ पहन लें, ज्वेलरी में इयर रिंग भी आप पहन सकते हैं, लेकिन इयर रिंग बड़े नहीं ऑफकोर्स पहने जाते हैं, पैरअप किए जाते हैं। तो आप छोटे छोटे से स्टर्स होते हैं, छोटे छोटे से मेरी स्टर्स होते हैं वो पैरअप कर सकती हैं, तो उसमें हमारी पर्सनैलिटी में बड़ा ही अच्छा चेंज लगता है जी। तो उसके साथ ही ना हमें अपनी हाइजीन का ख्याल भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं ना तो माउथ स्मेल आती है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये सबके साथ ऐसा हो जाता है, एक बार नहीं दो नहीं किसी ना किसी टाइम तो हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि स्टोर पे अवेलेबल है आजकल माउथ फ्रेशनर, वो भी हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही जैसे कि हम कुछ बबल्स वगैरह भी मिलती हैं, बबल्स वगैरह वो भी हम यूज कर सकते हैं माउथ फ्रेशनर के लिए। एक्स्ट्रा वाला है सुपर मिंट, मिंट टेस्ट सुपर मिंट एक्स्ट्रा वन, तो ये कुछ बबल फॉर्म में होती हैं तो ये बहुत अच्छी रहती हैं। अगर हमारे पास ये हो तो ये जब हम किसी से मिलने जाने लगी हैं तो ये हम मुंह में रख लें तो ये बहुत अच्छी होती है। ये आप अपने साथ बैठे आप भी खाएं और किसी और को भी साथ शेयर कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी एम्बेसिंग की बात नहीं, ऐसा हो जाता है उस तरह का कुछ भी। बहुत सारे स्टोर पे डिफरेंट डिफरेंट से अवेलेबल है, ठीक है। इसके साथ हम हाइजीन का ख्याल इस तरह से रख सकते हैं, इसके लिए हमें डेली शॉवर बाथ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बाल वगैरह वॉश करें, बालों पे आप हेड कैप लगा लें और अपने पूरी बॉडी को अच्छे से वॉश करें। उसके साथ क्या मेरे पास कुछ थिंग्स मैं शेयर करती हूँ, ये है जी डव का बॉडी वॉश माउस, ये बहुत अच्छा है, ये फोम में है तो ये बहुत अच्छा है, बॉडी में नाइस स्मेल आती है, नाइस सी फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो जाती है, ये बहुत अच्छा है। शॉवर लेने के बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा एक तरह का बॉडी वॉश है, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर बॉडी वॉश है लेकिन आजकल मैं ये यूज, ये भी बहुत अच्छा है डव का बॉडी वॉश।
उसके साथ उसके बाद क्या करते हैं कि हमें मॉइस्चराइजर बॉडी पे जरूर अप्लाई करना, तो उसके साथ ही हमें बॉडी मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए नहाने के बाद, बॉडी को ड्राई करने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे, बॉडी ड्राई ना हो, उसकी भी बहुत नाइस खुशबू आती है। उसके बाद जी ये बॉडी स्प्रे है, जब भी आप रेडी हो रहे हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं और कहीं आपने जाना है तो ये आप बॉडी स्प्रे, इस तरह के बहुत सारे स्टोर पे अवेलेबल हैं, अच्छे से अच्छे ब्रांड के भी हैं लेकिन किसी की अच्छी फ्रेगनेंस नहीं होती है, तो ये छोटे छोटे हैं लेकिन इनकी फ्रेगनेंस बहुत जबरदस्त है, इनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। ये हमें जब ड्रेस होना चाहिए हमें यूज करना चाहिए, और उसके साथ ही जी हमें अपनी अंडर आर्म का भी ख्याल रखना चाहिए, आर्मपिट अंडर आर्म के लिए बहुत अच्छा है ये डव इनविजिबल केयर, तो ये फ्लोरल टच ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि स्वेटिंग नहीं होती है, तो इसके साथ क्या होता है कि स्वेटिंग नहीं होती और अच्छा फील आता है, ये बहुत अच्छा है, ये हम यूज कर सकते हैं जब भी हमने ड्रेसअप होना हो, ये बहुत अच्छा है। तो इसके बाद फ्रेगनेंस की, परफ्यूम की बात की जाए तो ये ड्रॉ में ज़रूर होना चाहिए, और इसको लगाने का भी एक मेथड होता है, शोल्डर पे लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका स्टेन लेस हो शर्ट या स्कार्फ, क्योंकि स्कार्फ पे ये शर्ट पे इस तरह से लगाएं तो स्टेन बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस बेस्ट और बेटर वे ये है कि अपनी रिस्ट पर लगाएं और उसको स्मैश करें, इससे ये होगा कि आपकी फ्रेगनेंस बरकरार रहेगी। और इसके साथ ही आप जहाँ पे लगा सकते हैं वो है जी ईयर्स की बैक साइड पे अतर, और या फिर आप नेक की साइड पे लगा सकते हैं अगर आपको एलर्जी नहीं है तो। तो इन थिंग्स के साथ हमें फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना वो ये है कि हमें डेली उठ के शॉवर या बाथ ज़रूर लेना है। ठीक है हम हेयर नहीं वॉश करना चाहते हैं, वो ना वॉश करें, हेड कैप पहन लें, अपनी बॉडी को इस तरह से वॉश करें कि आपको एकदम रिलैक्स फील हो और एकदम आप फ्रेश फील करें। और जिसके साथ साथ अगर हेयर रिमूव की बात कर ली जाए तो आर्म्स को और लेग्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या है कि हम वैक्सिंग कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट आजकल तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसे हम इजीली कर सकते हैं, तो उसके अंदर जैसे ये वीट क्रीम है, वीट क्रीम भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत नाइस है और इससे एकदम सिल्की एंड फ्रेश हो जाती हैं। और इसके साथ एक ये है स्टिप्स मिलती हैं, हम इजीली घर पर रह के इजीली कर सकते हैं, और वैसे भी आजकल सलोन्स भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं ना कि हम वैसे भी वर्कर्स होती हैं, बहुत यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, बिजी होती हैं, तो घर में रह के इजीली कर सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी प्रोडक्ट्स वगैरह अपने थिंग्स दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। जस्ट मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि ये वाला कोकोनट का मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, शॉवर लेने के बाद बॉडी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो इसके साथ ही पर्सनैलिटी में हमारी ड्रेसिंग का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप पहने जिसमें आप कम्फर्टेबल भी फील करें और एक स्टाइलिश लुक भी आए। तो ड्रेसिंग के मामले में थोड़ा देखना, आप चाहे हेल्थी हैं चाहे आप स्मार्ट हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप क्या वेयर कर रहे हैं स्टाइलिश और ट्रेंड के हवाले से जो चल रहा है इस टाइम पे, वो आप वेयर करें बिल्कुल, लेकिन उसको उस तरह से स्टाइल दे जो आप पे सूट करता है या आप उस पर कम्फर्टेबल फील करते हैं जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है शूज। शूज में आपके पास एक शू ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए बहुत कम्फर्टेबल हो जी। तो इसके साथ ही आपके पास स्किन कलर का शू ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये हर ड्रेस के साथ जाता है। और इसके साथ ही टू शेड्स फुटवेयर के और होने चाहिए, वो हैं ब्लैक और ब्राउन, ये थ्री ऐसे कलर हैं जो कि आपके क्लोजर में ज़रूर होने चाहिए और ये हर ड्रेस के साथ जाते भी हैं। और शू वही होना चाहिए जो आपके लिए बहुत कम्फर्टेबल हो, ईजी हो वॉक वगैरह करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। और इसके बाद अगर बात की जाए हैंडबैग्स की, हैंडबैग भी आपके पास प्लेंटी है हैंडबैग्स की। हैंडबैग में अगर आपके पास है ना, बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे साइज के भी होते हैं आजकल, जैसे कि हैंडी बैग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। जैसे मैं अगर किसी स्पेशली गेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो अपना नाइस सा बैग आपके पास एक होना चाहिए, वो आप ले जाएं। और उसके साथ अगर जैसे मैं हूँ डेली बेसिस पे छोटा सा मेरा हैंडी बैग है, वो मैं चेंज करती रहती हूँ, वो मैं लेके जाती हूँ, तो वो भी अच्छा रहता है जैसे कि गर्ल्स लाइक करती हैं, ठीक है। हाँ, और बैग में अगर ब्लैक कलर हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ब्लैक बैग जो होता है वो भी हर ड्रेस के साथ चला जाता है। आप गेस्ट जा रही हैं, आप ऑफिस जा रही हैं, आप कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, या आप किसी के यहाँ गेस्ट जा रही हैं,
ये तो वो बैग आप इजीली यूज कर सकती हैं। ये तो उसके साथ ही आप कोई भी बैग कैरी कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर डेली रूटीन में 2-3 थिंग्स का होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है टिश्यू, जो कि नेसेसरी थिंग है। साथ में जी माउथ फ्रेशनर, आप कोई भी फ्लेवर में कोई भी कैंडी स्वीटीज इस तरह से रख सकते हैं। और साथ में जी लिप क्रियोन, लिप ग्लॉस न्यू शेड में, ये बहुत अच्छा रहता है। और साथ में छोटा सा अतर या मिनी सा परफ्यूम, जो कि आप बैग में इजीली कैरी कर सकें, ये ऑलरेडी मेरे बैग में होता है, ताकि जल्दी से निकला तो ये थिंग्स तो अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हम जब किसी के घर जाते हैं ना, तो ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, शोल्डर ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए, हमें स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट रख के, हमें शोल्डर्स को इस तरह से करके हम ऐसे बैठना चाहिए, ताकि हमारी एक पर्सनैलिटी अच्छी लगे। ऐसे करेंगे तो वो हम नहीं, ऐसे नहीं ना अच्छा लगता, इस रॉन्ग। एंड अगर इस तरह से हम बैठते हैं बैक को स्ट्रेट रख के, तो इसके साथ हमारे बैग का जो पोस्चर है वो भी सीधा स्ट्रेट रहता है, तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमें बैठना चाहिए, और हमें बिल्कुल भी लेग के ऊपर लेग करके नहीं बैठना चाहिए, वो एक अच्छा नहीं लगता है। लेग के ऊपर लेग करके नहीं बैठना चाहिए, हमें इस तरह से बैठना चाहिए जी। तो सब बातों के साथ साथ ना, एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो है जी पॉजिटिविटी। हम खूबसूरत तब तक नजर नहीं आ सकते जब तक हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी। तो पॉजिटिविटी इधर उधर से हवा में हमारी तरफ नहीं आएगी, पॉजिटिविटी को हमें अंदर से बाहर निकालना होगा। अगर हम पॉजिटिव है ना, तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरों से और खुद से अच्छी सी वाइब आना स्टार्ट होंगी। पॉजिटिविटी का हमारी पर्सनैलिटी को देख के पता चलता है, जो कि हमारे फेस पे नजर आती है। तो इसलिए पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये टिप्स बहुत ज्यादा इंस्टेंट हेल्पफुल रहेंगे, और इसके साथ ही ऐसा आप अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत अच्छा होता है जी। तो इसके साथ ही आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो दुआओं में याद रखें एंड ढेर सारा प्यार दें। ओके जी, कल मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।